बट डियर फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें हम इतिहास की बात करते हैं और उसमें यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय में मैं पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जितने सारे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं लूसेंट से, उनमें हम सामान्य परिचय की बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, इसके ऑप्शन चार है, फर्स्ट अतीत का, सेकंड समाज का, थर्ड प्रशासन का और फोर्थ पर्यावरण का। जिसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, इतिहास के अंदर हम अतीत का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। ऑप्शन है थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो या फिर होमर। दोस्तों प्रथम इतिहासकार की बात करें तो थ्यूसिडाइडिस इसका सही जवाब होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। इसमें ऑप्शन है हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, ओलिबियस या टेसिटस। इसका सही जवाब है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, थ्यूसिडाइडिस। क्वेश्चन नंबर चार है कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। इसके ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क और प्लिनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर फाइव है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। हेरोडोटस से, यूरिपिडीज से, थ्यूसिडाइडिस से कि सुकरात से। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस से। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है। हीगल, कार्ल मार्क्स, कल्हड़ या बर्नी। माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीगल। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है। चार ऑप्शन इसमें है, हीगल, कार्ल मार्क्स, जेवी ब्यूरी, ईएच कार। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त हीगल। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। कार्ल मार्क्स, जेवी ब्यूरी, कॉलिंगवुड की ईएच कार। दोस्त इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। ऑप्शन चार है इसमें, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का उल्लेख है। दूसरा, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। यह तीसरा है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय उल्लेख है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है हीगल, मार्क्स, एंजिल और लेनिन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, हीगल। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कार्ल मार्क्स ने किस वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। आधुनिक उदारवाद से, कि अस्तित्ववाद से, कि डार्विन का विकासवाद से, कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डार्विन के विकासवाद से। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है। स्टब्स का है, कि कार्लाइल का है, कि सीले का है, कि ट्रेवेलियन का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिवेलियन का है। क्वेश्चन नंबर 13 में लेखक हैं एक सूची में और दूसरी सूची में इतिहास की परिभाषा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओक्सार के हिसाब से सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रिवेलियन की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंग वुड की बात करें तो इनके हिसाब से संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास। ब्यूरी के हिसाब से देखें तो इतिहास मात्र स्वतः एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। डायन बतिस्ता विगो, बेनेडिटो क्रोचे, ओस्वाल्ड स्पेंगलर की अगस्ते कोंटे। होस्ट ये नेट जीआरएफ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगस्ते कोंटे इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, किसने कहा। ईएच कार ने, चार्ल्स फर्थ ने, कार्ल मार्क्स ने, बी ए स्मिथ ने। इसका सही ऑप्शन है बी, चार्ल्स फर्थ। क्वेश्चन नंबर 16 है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसीई किसका संक्षिप्ताक्षर है। ऑप्शन है बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल की बुकिंग क्लर्क। इसका सही हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर एक, बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू आफ्टर डेट। इसका सही जवाब हो जाएगा एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 50 ईसा पूर्व। ऑप्शन है वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, फिर जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्ष 1015 ईसा पूर्व किस शताब्दी में आता है। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कि 11वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 20 में जोड़ियों को मिलाना है, एक तरफ संवत्सर रहेगा, दूसरी तरफ किस समय से गणना चालू हुआ है वो रहेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से कि 78 ईस्वी से कि 57 ईसा पूर्व से कि 73 ईसा पूर्व से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78 यानी 78 ईस्वी से। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त? इसका सही जवाब हो जाएगा हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कलि संवत। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त एक को कि चंद्रगुप्त दो को कि समुद्रगुप्त को कि स्कंदगुप्त को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष में किया? अपने राज्यारोहण की स्मारक के रूप में कि शकों के उन्मूलन के उपलक्ष में कि हूणों को परास्त करने के उपलक्ष में कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नीचे कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से आरंभ हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 27 है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष में की थी? ऑप्शन है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष में कि कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष में, सिंध विजय के उपलक्ष में कि पूर्वी भारत में विजय के उपलक्ष में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष में। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरी राजवंशों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? विक्रम संवत की शक संवत की त्रैकूटक संवत की इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तैलब सेकंड की सोमेश्वर फर्स्ट की विक्रमादित्य सिक्स या सोमेश्वर सेकंड? सही जवाब है विक्रमादित्य सिक्स। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? पाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन? सही जवाब है लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा? 1931, 1952, 2066 की 2087? सही जवाब हो जाएगा 1931। क्वेश्चन नंबर 32 है विक्रम संवत 2037 को, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत पर रूपांतरित करने पर मान होगा 2070 ईसा पूर्व, 2070 ईस्वी, 2013 ईसा पूर्व, 2013 ईस्वी? इसका सही जवाब हो जाएगा 2013 ईस्वी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 248 वर्ष? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा 600, 300, 330, 407। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए 600। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो साके मतलब शक संवत क्या होगा? 1908 साके कि 1918 साके कि 1928 साके कि 1938 साके? इसका सही जवाब है 1928 साके। क्वेश्चन नंबर 36 है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है किसी संस्कृत के विस्तार की सीमा को समझने के लिए, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण को समझने के लिए कि दुधारू पशुओं की सांख्यिक पद्धति को समझने के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए इसका यूज किया जाता है। कार्बन चौथा तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन है हीरोडोटस, हीगल, बी ए स्मिथ या बियर्ड लिब्बी ने? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बियर्ड लिब्बी। कास्ट, अस्थि और सन के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन 14 की आर्गन 40 आइसोटोप की स्ट्रांसियम 90 की यूरेनियम 238। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कार्बन डेंटिंग निम्न की आयु निर्धारण के लिए यूज होती है? जीवाश्म, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 40 है प्रागैतिहासिक का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने चलना सीखा, कि मानव ने एक दूसरे से बात करना सीखा, कि मानव ने लिखना सीखा या फिर मानव ने घर बनाकर रहना सीखा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब मानव ने लिखना सीखा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? 300,000 ईसा पूर्व से कि 3000 ईसा पूर्व से कि 600 ईसा पूर्व से कि 647 ईस्वी से? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता माना जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है लेखन, ताबा, कला और मिट्टी के बर्तन बनाना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेखन।
क्वेश्चन नंबर 43 है कि सक सम्मत पर आधारित राशि पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च की 15 मई की 31 मार्च की 21 अप्रैल। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? ऑप्शन है हेरोडोटस, सिसरो, प्लिनी या सिलेरियस। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिलेरियस।